दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा इस बात की पूरी गारंटी है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के पास जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं पहले अपडेट की। पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है Realme 3 Pro को लेके। तो भैया Realme ने कुछ लीक इसके हमारे सामने आए Realme 3 Pro के, जो टक्कर दे सकता है Redmi Note 7 Pro को। और इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें इसके अंदर देखने को शायद तक मिल सकता है। और इसी के अलावा इसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 के ऊपर ये जो है रन करने वाला है। इसके अंदर दो रैम के वेरियंट हमें मिलेंगे, 6 GB और 4 GB जो है रैम का दो मोबाइल वेरिएंट मिल सकते हैं, जिसमें 6 GB और 4 GB रैम हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ इसमें एंड्रॉयड पाई होगा और 4500 mAh की इसकी बैटरी होगी। 25 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा इसके अंदर हो सकता है और 16 MP और 2 MP का रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और 6.5 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया ट्राई को लेके। ट्राई ने जो है एक मीटिंग की है और इसके अंदर हो सकता है हमें जो हम फ्री कॉलिंग करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन को यूज़ करके, जैसे व्हाट्सएप स्काइप जो है इन्हें यूज़ करके हम जो कॉलिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन नया आ सकता है। हो सकता है हम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके जो कॉलिंग है व्हाट्सएप कॉलिंग या स्काइप कॉलिंग का फ़ायदा ना उठा सकें, और यदि उठाएं तो इसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट भैया निकल के आता है, बड़े ही कमाल का ये अपडेट होने वाला है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है हुआवे के P30 मोबाइल को लेकर। हुआवे जो P30 मोबाइल है ये रन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 9.1 पे ये जो है रन करेगा। और इसी के साथ जो है हुआवे P30 के बारे में काफ़ी सारे जो है DSLR से खींचे गए फोटो आए थे। एक बड़ा ही अच्छा कैमरा फ़ोन ये हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है अमेजोन को लेके, अमेजोन के फैब फोन फेस्ट को लेके। तो इसके अंदर जो है 25 मार्च से 28 मार्च तक हमें जो है कुछ डिस्काउंट देखने को मिल सकता है ओनर प्ले के ऊपर, रेडमी नोट 7 पे और भी काफ़ी सारे पुराने मोबाइल पे हमें जो है डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरी आपको पर्सनल सलाह ये है, यदि आप कोई नया मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं तो मई तक कोई मोबाइल परचेज ना कीजिए, क्योंकि मई के अंदर आपको जो है काफ़ी नए मोबाइल देखने को मिल सकते हैं। यदि हाँ आपने प्लान कर रखा है कोई एक जो पुराने मोबाइल में से ही आपने मोबाइल खरीदने का, तो आप खरीद सकते हैं। टॉप 5 बजट फ़ोन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे और डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है, Xiaomi ने एक टीज किया है जिसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है Xiaomi का Mi Mix 4, जो कि एक बजट लेस फ़ोन हो सकता है। और हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ स्लाइडिंग मैकेनिज्म या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला मैकेनिज्म इसके अंदर देखने को मिले। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है कोरिया के स्मार्ट क्लोथिंग को लेके। तो भैया इन्होंने जो काम कर रहे हैं वॉशेबल स्मार्ट क्लोथ पे, स्मार्ट क्लोथ जिन्हें आप धो भी पाएंगे और जिनका धोने से कोई नुकसान नहीं हो पाएगा, स्मार्ट क्लोथ हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हों। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा स्मार्ट क्लोथिंग के बारे में आपका क्या विचार है। यदि अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट भैया बड़े ही कमाल का है, जो कि गूगल की तरफ से जो गूगल सेडिया जो लॉन्च किया गया था इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है 4K जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा लॉन्च के तुरंत बाद ही। हालांकि स्टार्टिंग में इसे लॉन्च करने की जो बात थी वो थी Full HD के अंदर, लेकिन अभी जो है ये 4K के साथ हमें देखने को मिलेगा, तो एक बड़े ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस इसके साथ होने वाला है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है मोटोरोला के जो है मोटोरोला विजन 1 को लेके। तो देखते हैं इस फ़ोन के अंदर हमें क्या मिल सकता है। इसके अंदर पंच होल डिजाइन और जो 48 MP का जो है कैमरा सेंसर हमें रियर के अंदर मिल सकता है, ड्यूअल कैमरा सेटअप। और इसके अंदर जो ये प्रोसेसर पे जिस पे ये रन करेगा वो एक्नोस के प्रोसेसर पे ये रन करने वाला स्मार्टफोन होने वाला है। मोटोरोला के मोबाइल फ़ोन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वैसे मोटोरोला ने कुछ मोबाइल लॉन्च किए हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता वो मार्केट के अंदर कुछ कर पाए हैं। बाकी आपका क्या विचार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है वीवो की तरफ से। वीवो स्पॉन्सर कर रहा है पबजी को, जो जिसकी जो विनिंग प्राइज है वो है 2 मिलियन
डॉलर तक जो है इसकी विनिंग प्राइस जो है आप विन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, गेमर हैं, तो आप जो है जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। और अगले अपडेट की बात करें तो हमारे पास अगला अपडेट निकल के आता है, बड़े ही कमाल का ये अपडेट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगले अपडेट की हम बात करते हैं, अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया फ्री वाईफाई को लेके। तो गूगल का ये कहना है फ्री वाईफाई के बारे में कि भैया यदि आप फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तो इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ऐसे में मेरा आपको सजेशन यही है, यदि आप फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसे जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप यूज़ कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप फ्री वाईफाई की जगह आप अपने मोबाइल डेटा का जो है यूज़ कीजिए, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड कराने वाली कंट्री है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है वीवो के एक फ़ोन को लेके, जो है कि वीवो का फ़ोन है नेक्स, इसके अंदर जो है एंड्रॉयड पाई का अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे ये फ़ोन जो है चाइना के अंदर ही लॉन्च हुआ है, इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। इसके अंदर जो है इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, पॉपअप, सेल्फी कैमरा, ऐसे कुछ फीचर दिए गए थे। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने जो है कैंपेन स्टार्ट कर दिया है फेक न्यूज़ को लेके, जो लोकसभा चुनाव से पहले जो फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पे रेगुलेट हो रही थी, इसके अगेंस्ट जो है व्हाट्सएप ने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो ये है बड़े ही कमाल की बात है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सैमसंग गलेक्सी A60 और सैमसंग गलेक्सी A70 के कुछ फ़ोटो हमारे सामने आए हैं। यदि A60 की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है वी नोच जो है हमें देखने को मिल सकता है, और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और यदि बात करें हम सैमसंग गलेक्सी A70 की, तो इन्हें हमें देखा गया है और इसके अंदर हमें जो है पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइड के अंदर इसमें जो है वो फ्रंट कैमरा इसके अंदर दिया गया है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया चंद्रयान 2 को लेके। तो जो चंद्रयान 2 है ये कैरी करने वाला है नासा के एक साइंस प्रोब को, तो ये है एक बड़े ही कमाल की एक गुड न्यूज़ हमारे लिए है कि भैया चंद्रयान जो है वो कैरी करेगा नासा के एक साइंस प्रोब को। और अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आता है भैया पबजी की तरफ से। जो पबजी के अंदर जो लिमिट हमें देखने को मिल रही थी कि इसके अंदर जो है 6 घंटे की हमें डेली यूजेज की लिमिट देखने को मिल रही थी, पबजी का इसके बारे में कहना है कि ये एक एरर था जो पबजी ने फिक्स कर दिया है। मोटरोला ने लॉन्च किया है Moto G7 जो है लॉन्च किया है, ये 17,000 की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर कुछ खास ऐसा स्पेसिफिकेशन लगा नहीं है। फिर भी मैं इसके लिए जो है आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की टेक न्यूज़ में इतना ही, और आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।